गल ये कि पिछले सीएम ने वादे तो की पूरे करने से उन्हें आपके एम एल ए भी नहीं चंगी तरह मिलया, पब्लिक नूं तां दूर की गल सी। वो चरणजीत सिंह चन्नी जिहड़ा कि थलड़े लैवल तो जिहड़ा ग्राउंड लैवल तो उठिया, जिहड़ा तीन बार कौंसलर रहा, आजाद एम एल ए बने, गल ये कि पब्लिक की सेवा जिहड़ी उह पब्लिक दे विच रह के हो सकदी है, उहदिआं नूं अहमियत नहीं देनी चाहीदी। और अज चरणजीत सिंह चन्नी जिहड़ा सीएम बन के नहीं, एक चंगा इंसान बन के जिहड़ा लोकां च विचर रहा है। मैं बाकी भी लीडरां नूं इह गल कहांगा कि अहुदिआं दा लालच ना करो, लोकां दे विच काम करो, लोकां दीआं उम्मीदां ते पूरे उतरो। हाईकमान नाल मीटिंग तो बाद कांग्रेसी आगू अते ज़ीरा तो विधायक कुलबीर सिंह ज़ीरा दा वड्डा बयान सामने आया, जिथे उन्होंने नवें बने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं मुबारकां तां दित्तियां ने, नाल ही उन्होंने साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते भी बेहद तिखे निशाने साध दित्ते ने। ज़ीरा ने कहा है कि पिछले सीएम भाव के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने वादे तो की पूरे करने से, वह तो अपने विधायकों तक नूं नहीं सी कदे मिलदे। नाल ही उन्होंने आम आदमी पार्टी अते बादलों से भी जम के रगड़े लगाए ने। होर की कहा ज़ीरा ने, खुद ही सुन लो। गल ये कि पिछले सीएम ने वादे तो की पूरे करने से, उन्हें आपके एम एल ए भी नहीं चंगी तरह मिलया, पब्लिक नूं तां दूर की गल सी। और चरणजीत सिंह चन्नी ने आउंदिआं सारी जिहड़ी सिक्योरिटी जिहड़ा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी सीएम रहे ने, चरणजीत सिंह चन्नी जी भी अज सीएम ने, पर तुसीं एक चल दसो एक मन की और एक सोच की गल हुंदी। वह चरणजीत सिंह चन्नी जिहड़ा कि थलड़े लैवल तो जिहड़ा ग्राउंड लैवल तो उठिया, जिहड़ा तीन बार कौंसलर रहा, आजाद एम एल ए बने, और अज मेहनत करके इतों तक जिहड़ा एक गरीब परिवार का जिहड़ा जिहड़ा लड़का जिहड़ा अज पंजाब की बागडोर, पंजाब के लोगों को बहुत वड्डियां आसां ते उम्मीदां ने। और मैनू आस आ कि चरणजीत चन्नी जी और उन्होंने सारी समुची टीम जी है कि उन्होंने आसा तो पूरा लवेगी। कैबिनेट विस्तार में लैके लगातार मीटिंग का दौर जारी है, तुम देखते हो कैबिनेट मंत्री बन जा रहे हो, किवें लगता है तुम जो विस्तार हो रहा है? गल है कि पब्लिक की सेवा जी पब्लिक के बच्चे रह के हो सकती है, अहुदिआं नूं अहमियत नहीं देनी चाहिए गी, क्योंकि मेरे पिता जी क्या करते सरदार इंद्रजीत सिंह ज़ीरा, वो कहिंदे सीगे चाहे तुसी वजीर बन जाओ, चाहे मुख्यमंत्री बन जाओ, चाहे तुसी किसे अहुदे ते चले जाओ, सब तो वड्डी गल है तुसी लोकां दे विच इक चंगे इंसान बनो। और अज चरणजीत सिंह चन्नी जिहड़ा सीएम बन के नहीं, एक चंगा इंसान बन के जिहड़ा लोकां च विचर रहा है। मैं बाकी भी लीडरां नूं इह गल कहांगा कि अहुदिआं दा लालच ना करो, लोकां दे विच काम करो, लोकां दीआं उम्मीदां ते पूरे उतरो। सर मौका मिलता है ते समां बहुत घट है, पहली गल तो मैं ये दसना चाहना कि मैं कोई यहोजी मंग नहीं रखी गई। जे हाईकमांड वालों कोई भी किसी तरह का कोई फैसला लिया जाता, क्योंकि हाईकमांड ने हमेशा ही लोगों के हित लिए फैसले लए ने। और पहला जिहड़े तीन फैसले, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी जी की गल कर लीए, सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिहड़े कि जिन्हां ने अज तक कांग्रेस नूं बचा के रख्या, कांग्रसी वर्कर नूं जिहड़ा कि 4.5 साल की सरकार दे विच होर किसी ने सुनी जां नहीं सुनी, उन्होंने हमेशा बाह फड़ी। और ओ पी सोनी जी और गांह भी जिहड़ी टीम आ, वो जिहड़ी चंगी टीम होवेगी। और मैं गल कहांगा कि समां घट आ, साढ़े अगे जिहड़ियां जिवनियां मुश्किलां ने वो बहुत वड्डियां ने, पर सानू रल मिल के काम करना चाहिए। मैं कैप्टन साहब नूं भी, जाखड़ साहब नूं भी, सारयां नूं कहना कि एक टीम की तरह, क्योंकि चाहे नवजोत सिंह सिद्धू साडे प्रधान, एक टीम बन के असी जिहड़ा है कि असी ये जिहड़े अकाली दल वाले बहरूपीए तुरे फिरदे ने, जिहड़े लोगों के नाल ठगी मारन आए ने, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग ने, क्योंकि इन्होंने हमेशा लोगों नूं झूठे लारे दिते। सुखबीर सिंह बादल लोगों नूं स्टेजा ते कहिंदा रहा कि असी 2 डिप्टी सीएम बनावांगे, और दलित पत्ता कहिंदा सीगा कि खेडना चाहुंदा सीगा। और उन्हें अज तक 10 साल सरकार रही, दलितों नूं कोई मान ते सन्मान नहीं दिता, और हमेशा जदों जदों कांग्रेस पार्टी के हाथ दे विच कोई वागडोर आई तां कोई फैसला करन दा वेला आया, ते मैं गल कहांगा कि सोनिया गांधी जी ने हमेशा वधिया फैसला लिया। चाहे असी सरदार मनमोहन सिंह जी की गल कर लईए, चाहे सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी की, वो तो गल ही करते रह गए बादल वाले कि असी जिहड़ा कि दलित डिप्टी सीएम बनावांगे, और असी जिहड़ा कि सीएम बना के लोगों की सेवा दे विच जिहड़ा दिन भर रात एक कर रहा। और अज 5 दिन हो गए, 5 दिन दे विच मेरे हिसाब नाल कोई इहो जी रात नहीं होवेगी कि जिस दिन चरणजीत चन्नी ने 5 घंटे भी सौं के देखा होवे। हमेशा ही सफर दे विच रात भी दिल्ली आए, 2:30 बजे तक मीटिंगां चलियां, और 4 बजे फिर जाके लोगों की कचहरी दे विच खरड़ दे विच हाजिर होए।